अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम चैप्टर नंबर 11 सेकेंड ईयर फिज़िक्स एप्टीट्यूड के तमाम एमसीक्यू जो एनटीएस में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जो सिंध भर और पाकिस्तान भर में जो एमसीक्यू आते हैं उनके हम सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें स्टार्ट हम करने जा रहे हैं 2009 डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के एप्टीट्यूड टेस्ट में आने वाले जो एनटीएस ने टेस्ट कंडक्ट किया था उससे हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें ये सवाल में पूछा जा रहा है, अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम वी एट प्रेशर पी एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज एम, इफ के इज द बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट देन द डेंसिटी ऑफ द गैस इज। इस सवाल में कहा जा रहा है कि एक आइडियल गैस का सैंपल है जिसका वॉल्यूम वी है और उसका प्रेशर पी है और उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो टी से मेंशन किया गया है। द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज एम, और एक एक मॉलिक्यूल के जो मास है उसको एम से हमने जो है वो रिप्रेजेंट किया है। और फिर आगे कह रहा है इफ के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, देन द डेंसिटी ऑफ द गैस, उस गैस की हमें क्या करनी है, डेंसिटी मालूम करके बतानी है। पांच ऑप्शन हमारे सामने क्या है, गिवन है। जैसा कि हम जानते हैं द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस का जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला होता है पी बराबर है 1/3 रो वी स्क्वायर। और इसी तरीके से रूट मीन स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है वो है 3 kt अपॉन स्मॉल m। अब हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है और ये क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, जबकि ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी की जगह रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ। तो हम क्या करते हैं कि इसकी जगह वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा p बराबर है 1/3 रो। अब हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू है लेकिन यहाँ इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, v की जगह v की वैल्यू रखते हैं, √3 kt अपॉन स्मॉल m, और ये आ जाएगा स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और रूट क्या होता है, यहां से हो जाएगा कैंसल आउट, हमारे पास बच जाता है p बराबर है 1/3 रो 3 kt अपॉन स्मॉल m। अब कोई चीज कैंसल आउट हो सकती है, हम कर देते हैं, 3 3 से क्या हो जाएगा कैंसल, m जो है वो वहां चला जाता है m, और ये हो जाएगा p। इसी तरीके से kt जो है यहां डोमिनेटर में वहां चले जाएगा डिनोमिनेटर में kt। तो हमारे पास ये रो जो कि डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था ये हमारे पास बराबर हो जाता है mp अपॉन kt, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारे एमसीक्यू का क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरीके से 2009 डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के एनटीएस ने जो टेस्ट कंडक्ट किया था उसी में चैप्टर 11 हीट से एक और सवाल पूछा गया था, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको ये बात बताते चलें कि जो ये जो लेक्चर आप सुन रहे हो ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है और ये लेक्चर डॉक्टर अलियासगढ़ की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है। याद रहे अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से एनटीएस डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड तमाम एमसीक्यू की हम जो है वो वीडियो अन करीब हम अपलोड करने जा रहे हैं, तो उनको मिस मत कीजिएगा, तो लिहाजा आप जरूर उसको सब्सक्राइब करें। तो 2009 के सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में पूछा गया था। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मे बी रिटन इज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की यहाँ इक्वेशन बताई गई है कि डेल्टा यू जो है क्यू प्लस डेल्टा यू है, ये यहाँ हमारे पास मिसप्रिंट हो गई, ये है क्यू माइनस डब्ल्यू, वेयर डेल्टा यू इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू शो कर रहा है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी को, क्यू इज द हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, Q शो कर रहा है हीट ट्रांसफर को, एंड W इज द एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द सिस्टम, जो वर्क डन किया गया है उसको W से रिप्रेजेंट किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द केस ऑफ एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। याद रहे आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है, और याद रखिएगा कि जिस प्रोसेस में टेम्परेचर सेम रहेगा वहाँ इंटरनल एनर्जी भी सिस्टम की क्या रहती है, सेम रहती है। तो इस डेफिनेशन, चाहे वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहे चाहे वो आइसोथर्मल कंप्रेशन कहे,
तो आइसोथर्मल को देखकर आपने पहचान लिया कि यहाँ टेम्परेचर सेम रहेगा, और टेम्परेचर सेम रहेगा तो इंटरनल एनर्जी भी सेम रहेगी। तो इस ऑप्शन में हम यहाँ देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी सेम किस में शो किया गया है। तो यहाँ शो कर रहा है डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, ये शो कर रहा है कि डेल्टा यू में इंटरनल एनर्जी जो है उसमें तब्दीली जो है वो जीरो के बराबर, और जिस भी चीज़ में तब्दीली अगर जीरो के बराबर होती है इसका मतलब वो चीज़ क्या रहती है, कॉन्स्टेंट। तो याद रहे आइसोथर्मल प्रोसेस जब भी कहा जाए, ऐसा सवाल जो है वो 2013 में भी पूछा गया था आइसोथर्मल प्रोसेस के हवाले से, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी सेम रहती है लिहाजा इसमें डेल्टा यू की वैल्यू जो होगी वो जीरो के बराबर है, जो रिप्रेजेंट कर रही है इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टेंट। फिर 2010 डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के NTS ने जो पेपर कंडक्ट किया है उसके MCQ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है आ सिस्टम एब्जॉर्ब 2000 जूल ऑफ हीट एंड डिलीवर 1200 जूल ऑफ वर्क वाइल लूजिंग 200 जूल ऑफ हीट बाय कंडक्शन टू द एटमॉस्फेयर द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। इसमें कहा जा रहा है कि एक सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, 2000 जूल की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और वर्क डन जो है वो कितना करता है 1200, लेकिन साथ ही साथ कह रहा है वाइल लूजिंग 200 जूल ऑफ हीट बाय कंडक्शन टू द एटमॉस्फेयर, 200 जूल की हीट एनर्जी जो है वो लॉस कर रहा है एटमॉस्फेयर में, हमें बताना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हमारे पास जो सवाल है इसमें अगर देखें कि सिस्टम ने जो एब्जॉर्ब की, फॉर्मूला हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का होता है डेल्टा यू बराबर है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब इसमें हमारे पास डेल्टा क्यू जो है वो है नेट हीट फ्लो इनटू द सिस्टम, सिस्टम ने 2000 जूल की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है लेकिन जो लॉस हो गई है वो 200 जूल की हीट एनर्जी जो है वो लॉस हुई है, लिहाजा सिस्टम को जो हीट एनर्जी मिली है वो 1800 मिली है। तो डेल्टा में हमने यहाँ लिखा डेल्टा क्यू जो है वो प्लस 1800 जूल है। इसी तरीके से वर्क डन जो हुआ है, वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है वो हमेशा हम पॉजिटिव में लेते हैं, वो है 1200, और हमसे पूछा जा रहा है डेल्टा यू मालूम करके बताएं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं डेल्टा यू, हमारे पास सिस्टम को जो हीट एनर्जी मिली है वो 1800 है, वर्क डन जो है वो 1200 है, 1800 में से जब हम 1200 माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 600 जूल। तो लिहाजा हमारे पास इस MCQ का आंसर जो है वो 600 जूल है, जो कि 2010 में पूछा गया था। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है तो आप हमारे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक का बटन दबाकर हमारी हौसला अफजाई करें। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है। थैंक यू वेरी मच।